पठान सिर्फ बॉलीवुड या इंडिया में ही हिट नहीं थी बल्कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए ग्लोबली हिट साबित हुई थी जिसने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ का बिजनेस किया था। अब हाल ही में इंडियन सिनेमा को कुछ नए मार्केट में भी काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया जा रहा है, जैसे कि चाइना। चाइना में यूं तो बॉलीवुड फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है लेकिन इंडियन सिनेमा से बहुत कम मूवीज को वहां रिलीज किया जाता है। लेकिन हालिया कुछ सालों से चाइना में भी भारतीय फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जैसे आमिर खान की दंगल ने चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर रूल कर चुकी है। इस फिल्म ने तो चाइना की मूवीज के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। ठीक उसी तरह आमिर की एक और फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने भी चाइनीज मार्केट से 800 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। वहीं इसके बाद बजरंगी भाईजान, बाहुबली और ट्रिपल आर ने भी यहां ठीक ठाक कमाई की थी। वहीं जापान भी इंडियन मूवीज का कायल होता जा रहा है और यहां भी ट्रिपल आर, बैंग वैंग और वॉर जैसी मूवीज ने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। इसी के चलते अब प्रोड्यूसर्स इन मार्केट पर भी काफी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। वहीं अब तक पठान जितनी भी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, यूएई और रशिया में रिलीज हुई तो पठान ने लगभग सभी इंडियन फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। वहीं अब खबरें हैं कि वायरल अब जल्द ही पठान को चाइना और जापान और उसके साथ ही लैटिन अमेरिका में भी रिलीज करने वाली है। अगर इन मार्केट से पठान अच्छा कलेक्शन करती है तो हो सकता है कि शायद पठान दंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स के आसपास आ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, पठान चाइना और जापान जैसी कंट्री में भी क्या कमाल कर पाएगी या नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।